जिब्राइल आ गए। नबी ने पूछा तू अपने वादे पर नहीं आया? कहे अल्लाह के नबी, ये जो कुत्ता आपके घर में था इसने मुझे रोक रखा था, हम उस घर में नहीं जाते जहां कुत्ता या तस्वीर हो। ये कुत्ता कहां का था? बोलो, कुत्ता कहां का था? मदीने का कुत्ता। जहां मदीने के कुत्ते हो वहां रहमत के फरिश्ते, और जहां गौस पाक के कुत्ते हो। ये कुत्ता किसका बनाया हुआ जी? ये कुत्ता अल्लाह का बनाया हुआ। जहां अल्लाह के बनाए हुए कुत्ते हो वहां फरिश्ते, और जहां मौलवी खुद अपने आप को कुत्ता बना दे, मैं कुत्ता हूं। हैं? ये अहमद रजा खान साहब बरेलवी हदाई के बख्शिश सफा 60 पर कहते हैं, तेरा यहां कौन पूछता है ए रजा, तुझ जैसे हजार कुत्ते फिरते हैं। वो कहते मैं भी कुत्ता हूं। इलियास कादरी साहब कहते हैं कि मैं तो गौस पाक के कुत्तों का भी कुत्ता हूं, सिर्फ कुत्ता नहीं कुत्तों का भी कुत्ता हूं। तो क्या नऊज़ बिल्ला ये इंटरनेट जो है, क्या ये साइंस मेरे गौस पाक से बढ़ गया? नऊज़ बिल्ला मिंदालिक। अब देखो इस वक्त मैं हाथ हिला रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उन ईसाई भाइयों को जो दुनिया में मुझे सुन रहे और उनकी खुशियां हासिल कर रहा हूं। तो क्या मैं गौस पाक से बढ़ गया? नहीं नहीं, मैं तो गौस पाक के कदमों की खाक का भी गुलाम हूं, खाक की भी खाक हूं, इनके कुत्तों का कुत्ता हूं, जो कुछ मिला इनके सदके। ये दावत इस्लामी है इनके गुलामों का। ननौतवी कासिम ननौतवी साहब फरमाते हैं अपने कसीदे में, हो मेरा शुमार सगाने मदीना में, मरूं तो मुझे खाए मदीने के मोरोमाल। मेरा शुमार किन में हो? सगाने मदीना। ये फारसी का लफ्ज है। सग का मतलब क्या है? कुत्ता। मेरा मदीने, अल्लाह ने इनको इंसान बनाया, बेहतरीन शक्लो सूरत की कतर नहीं, असी इंसान बनते राजी नहीं जो कुत्ता बन जाता चंगा सी। हो मेरा शुमार मदीने के कुत्तों में। पाकिस्तान सियालकोट का एक पीर है, पीर शेख अमीन, वो कहता है मैं कुत्ता हूं आका का, और कुत्तों का काम भोंकना होता है, सारे मिलके भोंको। पीर अमीन भी भोंकता है, बाकी मजमा भी भोंकता है। हाउ 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 ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कोरा है या काला है ये देश मोहम्मद वाला है, ये सारे जग से निराला। आका जी का कुत्ता है गोरा है या काला? तो आका जी की अजमत के सामने हमारे तो कुछ नहीं है। तो आका जी के कुत्ते बन के हव हव करो। अल्लाह कहता है मैंने इंसान बनाया, बेहतरीन बनाया, अच्छी शक्ल और सूरत दी। लकद खलकना इंसान फी अहसन तकवीम, ए इंसानो ये कसमें खा खा कर अल्लाह तुम्हारी बेहतरीन शक्ल और सूरत की बातें करता है, तुम्हारी अच्छी तखलीक की बातें करता है, लेकिन लेकिन ये कुत्तों से प्यार करने वाले। वो इतना सा कुत्ता था, कुत्ते का बच्चा छोटा सा जो नबी की चारपाई के नीचे था, और जब इतने बड़े बड़े मौलवी कहें कि हम कुत्ते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैंने ऐसे कुत्ते सही बसत के अंदर मैं भी कुत्ता। ये नजर वाला कुत्ता, शहर बगदाद में जहां बैठता 30-30-40 कुत्ते उसकी मजलिस में अदब के साथ बैठ जाते।